कोरोना के समर्थन में उतरी क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट संजय राउत को ललकारा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और संजय राउत की तरफ से दी जा रही धमकियों के बाद आज मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट कंगना रनावत के समर्थन में मैदान में कूद गई है। महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकालते हुए अपना संदेश भेजा है। देश के बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री और संजय राउत द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के बाद अब कंगना रनावत के समर्थन में देश भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आज मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट भी खुलकर कंगना के समर्थन में उतर गई है। महासभा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शहर की सड़कों पर एक बाइक रैली निकालकर महाराष्ट्र सरकार को कड़ा संदेश दिया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बाइक पर कंगना के समर्थन वाले फोटो चिपकाए हुए थे। मुरादाबाद मंडल स्तर से पदाधिकारियों ने शिवसेना के संजय राउत को संदेश देते हुए धमकी दी है कि यूपी में आओ फिर क्षत्रिय महासभा बताएगी एक शेरनी को धमकी और गाली कैसे दी जाती है। क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने कहा है कि वो लोग कंगना के समर्थन में खड़े हैं। जी दरअसल अभी आपने सुना ही होगा कि सुशांत मामले में कंगना रनावत जी को जो धमकियाँ मिल रही हैं लगातार और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने ये जो है आई सपोर्ट कंगना रनावत के कंप्लेंट्स बाइकों पर चिपकाए हैं और साथ ही हम पूरे सपोर्ट में हैं। और ये जो संजय राउत हैं तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपकी गीदड़ भक्कियों से हमारी शेरनी झांसी की जो लक्ष्मी बाई हैं, हमारी कंगना रनावत, वो आपकी इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाली और साथ ही उनके मुनार भाई, हम जैसे भाई सब साथ खड़े हैं, युवा हम सब साथ हैं उनके, आप उनका बाल बाका नहीं कर सकते। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी का जिन्होंने बहन कंगना रनावत जी को बाइक प्लस सिक्योरिटी दी। आप किस संगठन से हैं, कौन से संगठन? जी मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का मुरादाबाद मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ, युवा प्रकोष्ठ का। जिस तरीके से संजय राउत अपना महाराष्ट्र में बैठ करके ये बरगला रहे हैं, एक बार यूपी में आएँ और यूपी में आने के बाद में हम इन्हें बताते हैं कि गीदड़ भक्तियों में कैसे लिया जाता है और किस तरीके से तांडव किया जाता है। तांडव करना हम क्षत्रिय दिखाएंगे कैसे तांडव किया जाता है। कभी आएँ यूपी में, स्वागत है और सही वाला स्वागत करेंगे। जी मैसेज हम ये दे रहे हैं, जिस तरीके से कंगना रनावत को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, तो इसलिए आज हमारे युवा जितने भी साथी हैं उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों पे एक पंपलेट लगाया है जिसमें हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है आई सपोर्ट कंगना रनावत। तो मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से उनको धमकियाँ मिल रही हैं, वो हमारी बड़ी बहन है, सतराणी है, ठाकुर बरादरी से हैं, तो वो कभी भी इन धमकियों से नहीं डरेंगी, वो मुंबई जाएंगी। और मैं ये कहना चाहूँगा गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है उन्हें, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट उनके सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में है। मैं युवा प्रकोष्ठ से मंत्री हूँ मुरादाबाद का, तो हम लोग सब उनकी सपोर्ट में हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संजय राउत जो बैठ के धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों का हम ठाकुरों पे कोई असर नहीं होने वाला। हमने बहुत धमकियाँ देखी हैं, हमारे पे कोई असर नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आके अगर धमकी देनी है तो सामने से धमकी देके देखें, फिर हम दिखाएंगे धमकी किस तरीके से दी जाती है और किस तरीके से उस धमकी का हम उन्हें जवाब देंगे।